चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में पहली विधि वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि या इसे उत्पादन विधि भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीय आय के मापन की कितनी विधियाँ होती हैं, उनमें से एक है उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ। और जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का आंकलन अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादन इकाई द्वारा साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना पर किया जाता है। इससे पहले कि हम विधि की चर्चा करें, हमें पहले उत्पादन मूल्य व निवेश के मूल्यों के अर्थ को समझना होगा। चलिए देखते हैं उत्पादन मूल्य। एक फर्म के कुल उत्पादन मूल्य में सम्मिलित है पहला बिक्री। अब देख लेते हैं बिक्री सेल क्या होता है। इससे अभिप्राय एक फर्म द्वारा घरेलू सीमा में परिवारों या सरकार या अन्य फर्मों अथवा शेष संसार को बेचे गए उत्पाद के मौद्रिक मूल्य है, अर्थात निर्यात। मतलब गणित के अनुसार बिक्री बराबर मूल्य प्रति इकाई गुणे बेचा गया उत्पादन। दूसरा है स्टॉक में परिवर्तन। कभी कभी एक फर्म द्वारा किए गए उत्पादन की बिक्री उसी वर्ष में नहीं होती तथा लेखांकन अवधि के अंत में शेष न बिका हुआ उत्पाद भी होता है। यह बिना बिका हुआ स्टॉक चालू अवधि बिक्री आंकड़ों में प्रदर्शित नहीं होते। इस प्रकार पिछले वर्षों के कुछ स्टॉक आरंभिक स्टॉक चालू लेखांकन अवधि में बेचा जाता है। इसलिए उत्पादन के मूल्य का सही आंकलन करते समय हम स्टॉक में परिवर्तन को ध्यान में रखते हैं, अथवा हम उसे इन्वेंट्री निवेश भी कह सकते हैं। स्टॉक में परिवर्तन की गणना अंतिम स्टॉक में से आरंभिक स्टॉक को घटाकर की जाती है। सूत्र के द्वारा इसको समझ लेते हैं, स्टॉक में परिवर्तन बराबर अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, इसे इन्वेंट्री निवेश भी कहते हैं। जब अंतिम स्टॉक आरंभिक स्टॉक से अधिक होता है तो इसे स्टॉक में वृद्धि कहते हैं, स्टॉक में धनात्मक परिवर्तन। जब अंतिम स्टॉक आरंभिक स्टॉक से कम होता है इसे स्टॉक में कमी बोलते हैं, स्टॉक में ऋणात्मक परिवर्तन। इस प्रकार अंत में उत्पादन मूल्य बराबर बिक्री प्लस इन्वेंट्री के स्टॉक में परिवर्तन। चूंकि इन्वेंट्रीज के स्टॉक में परिवर्तन बराबर अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, अतः उत्पादन मूल्य बराबर बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक लिख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।